सोमवार को खवाल थाना के प्रांगण में ईद चैती छठ एवं रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए खवाल थाना प्रभारी सुनील कुमार ने सभी को ईद चैती छठ पूजा एवं रामनवमी को लेकर कहा कि यहाँ के सारे पर्व आपसी भाईचारा के साथ मनाएं और साथ ही आप लोग हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक बने रहिए। एक दूसरे के त्यौहार में मदद करते हुए हर्षोल्लास के साथ पूरे त्यौहार का आनंद लेंगे। खवाल थाना प्रांगण में आगामी रामनवमी ईद और छठ पूजा के पूर्व एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से गणमान्य व्यक्ति, पत्रकार बंधु, जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और अपने अपने सुझाव से हमें अवगत कराए। इस बार कहा जा रहा है कि कौल में इस बार दो जगहों से रामनवमी जुलूस निकाली जाएगी, जैसे कि ज्ञात हुआ है कि यहाँ पे एक और नया आपके पास एप्लीकेशन है। जी हाँ, कोर्ट से चला आ रहा था, यहाँ पर बाजार से ही रामनवमी का जुलूस निकलता था और इस बार वहीं से एक और जुलूस लिया थाने दफ्ते के लिए आवेदन दिया गया। ये इसमें पुलिस की क्या व्यवस्था रहेगी, मतलब इस बार कुछ ज्यादा ही भीड़ होगा दो जगहों से जुलूस निकलने का? पुलिस हमारे पास पर्याप्त बल रहेंगे और पुलिस के अंदर बल के लिए और पदाधिकारी के लिए लिखे भी हैं और थाना क्षेत्र में बल की कोई कमी नहीं होगी। क्या अपील करना चाहेंगे खवाल वासियों को? मैं रामनवमी, जुलूस, ईद और छठ तीनों के अवसर पर उन लोगों से अपील करना चाहेंगे शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार को मनाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या गाइडलाइन दिए गए हैं? हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर गाइडलाइन दिए गए हैं कि किसी प्रकार के कोई भी राजनीतिक या किसी राजनीति से व्यक्ति उसे लेकर के किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं करना है, डीजे अलाउड नहीं है अगर डीजे और बिना अनुज्ञप्ति क्या कोई भी लाइसेंस अगर कोई डीजे बजाते हुए दिखा तो कार्रवाई। वही रामनवमी शोभा यात्रा की बात हुई तो शुरू से खगोल नगर में निकालने वाले एक रामनवमी शोभा यात्रा के सदस्यों ने अपने आप को दो खेमों में बांट लिया। पहले खेमे के सदस्य का आरोप था कि हमारे खेमे के सदस्यों को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, उसे रामनवमी शोभा यात्रा से निकालना चाहते थे, इसलिए हमने अपना अलग खेमा बना लिया है। कुछ व्यक्तिगत रूपों से कुछ लोगों का हमारे कुछ सदस्यों पसंद नहीं थे और हमें भी उस खेमे का कुछ सदस्य पसंद नहीं थे, जिसमें ये लोग हमारे खेमे के सदस्यों को हटा के हमको मिलाना चाहता था, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं किए कि नहीं सर, जब हटेगा तो उधर का भी खेमे का हटे, जो गलत है दोनों तरफ गलत है, दोनों तरफ से हटे, और इसको वो लोग स्वीकार नहीं कर रहा था, जिसके कारण ये हुआ। कहा जाता है कि सबसे पहले रामनवमी का जुलूस जो आप ही लोगों के द्वारा निकाला गया जाता था, फिर अचानक किस बात का लेकर बार बार ये दो तीन बात में वर्चस्वता की बात आ गई है कि हाँ हमारे ना हम इसको लेकर चल रहे हैं, जबकि हमारा कहना है कि नहीं पूरे समाज का है रामनवमी शोभा यात्रा से, लेकिन उस खेमे के कुछ लोगों का कहना है कि हम पौधा लगाए बड़ा किए आज लोग उस पर हावी हो गया और संस्था का कुछ बैंक में अकाउंट्स में पैसा भी था, जिसको लेकर हमने कभी कुछ स्प्रे नहीं किया, वो लोग को ये कर दिए हैं कि आप जो समझिए कीजिए। हम इससे मुक्त होना चाहते थे, लेकिन हमारे आदमियों को भी निकाल कर, मतलब हम सब सदस्य में से कुछ सदस्यों को छाट कर लोग चलना चाहता था, वो सदस्य हमारे बोले कि नहीं आप पुनः एक जो जैसे आप पहले से निकालते थे वैसे निकालिए और हम लोग उसमें रहे। क्या नाम था आपका जुलूस यात्रा? श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति। अब जो जुलूस यात्रा खेमे से कट के निकले उनका क्या नाम? अभी तक तो वही है नाम, अभी लोग अपना क्या करता है नहीं पता, लेकिन हम भी जो सदस्य लाइसेंस आप लोगों में कुल कितने सदस्य हैं? हमारे में अभी सदस्य गिने नहीं गए, लेकिन 30 से 35 सदस्य हमारे पास है और जिनका समर्थन पूर्ण रूप से प्राप्त है उसी तरह से उसमें भी है। तो क्या इस बार भी आप उसी तरह से जुलूस निकालेंगे जो हर साल निकालते हैं भव्य तरीके से? हाँ, नहीं हमारा अभी इकोनॉमिकल कारण से भव्यता में कुछ इस साल कमी रहेगी, लेकिन अगला साल भव्य तरीका से चाहेंगे कि निकले और सरकार के भी तरफ से डीजे उजे का जो मान्यता ये किया गया रोक लगाया गया है
तो उसके चलते थोड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का भव्यता में। मेरा नाम आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के संयोजक और लाइसेंसधारी, पूर्व लाइसेंसधारी। दूसरे खेमे के सदस्यों ने बताया कि यह मतभेद नहीं है, यह मन का भेद है। पिछले साल तक लोग अपने मन से कर रहे थे, वहीं इस साल हम लोगों ने भी अपने मन को रखा तो वो लोग हम लोगों की मन की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण रामनवमी शोभा यात्रा दो भाग में बट गया है। सबसे पहले तो आप लोग के चैनल को धन्यवाद है। ऐसा है कि लोगों का मन जो है, मन का भेद है, मतभेद वाली कोई बात नहीं है। लोगों का मन एक दूसरे से नहीं मिला, पिछले साल से लेकर जो हुई आपको विवाद हुआ उसके वजह से जो इस बार काफ़ी हम लोगों ने भी अनुरोध किया, आरजू मिन्नत भी किया कि भाई आप लोग सब मिल के निकालिए, परंतु अन्य लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, जिसके वजह से हम लोग आखिरी प्रयास जो भी करना था आखिरी प्रयास भी किया, परंतु वो सफल नहीं हुए हम लोग। जिस वजह से हम लोग भी निर्णय लिया कि भाई जब वो नहीं मान रहे हैं तो फिर हम लोग अपना आरोप कुछ अकाउंट्स को लेकर भी कुछ वो बातें आई हैं जहां पर कि जिसके कारण भी मतभेद हुआ। ऐसा तो कोई बात नहीं है, जो जिन लोगों ने भी आरोप लगाया है अकाउंट उन्हीं के हाथ में, हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे, हम लोगों का काम था जो भी मतलब कि अर्थ उपार्जन करके ला के दे देते थे। कैसे लोग क्या करते थे, हम लोग अब 2022 तक हम लोग अपनी इच्छा वहाँ पर नहीं रखा, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। 2022 तक जैसे उन लोगों ने चाह हम लोग समर्थन दिया। पिछली बार सिर्फ रूट के विवाद पर ही इतना विवाद जन्म लिया। एक और कहना है कि कुछ लोग आपके पक्ष में और आपके तरफ से, कुछ लोग उनकी तरफ से जो कि एक दूसरे से लड़ते थे और उन लोगों को निकालने की भी बात की जा रही थी, जिसके कारण ही हुआ। ऐसी तो कोई बात नहीं है, लड़ते थे, देखिए कोई आमने सामने तो कभी लड़ाई हुई नहीं है। अब पीछे पीठ पीछे कोई किसी के बारे में आरोप लगा दे, उसको लेके कोई चले, तो इसका तो कोई निदान है नहीं। मैं भरत पोदार, रामनवमी शोभा समिति सदस्य। हम लोगों को बेहद अफसोस है कि इस कारण से समाज में एक अच्छा विचार नहीं जाएगा और बदनामी भी होगी। हम अभी भी चाहते हैं कि हम लोग एक ही खेमे में रहकर रामनवमी शोभा यात्रा निकालें। महसूस करें क्या ये अच्छा लगा, अच्छा है कि एक जगह ना हो दो जगह हो? देखिए, इसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ और मेरी आज तक मेरी इच्छा है कि जैसे एक निकलता था पूरे खवल का, एक ही निकले, जो मतभेद हो सब खत्म कर दीजिए, अपना व्यक्तिगत जो भी ईगो है उसको खत्म करके और एक निकलना चाहिए। लेकिन इस पर बहुत प्रयास किया गया, यहाँ तक कि अनामिका सिंह ने बहुत प्रयास किया, लोगों के घर जा जो अंदर नाराज थे उनके घर पर जा करके भी खुद प्रयास किया कि एक ही निकले सब कुछ हो, और अभी तक हमको पता था कि एक ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे मालूम पड़ा कि दो लाइसेंस के लिए नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है आम आदमी के लोगों में। एक निकलता था तो एक न्यूज निकलता है, उसका एक महत्व होता है, इस तरफ से उस तो पूरे गोल का एक था, और आज क्या है कि दोनों का मजाक बनाया जाएगा। चंदा के लिए वहाँ भी हम भी जाएंगे, वहाँ ये भी जाएंगे, वही लोग पूछेंगे क्या बात है भाई, तो हम वहाँ बोलेंगे हम लोग का बंटवारा हो गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप क्या चाहते हैं कि एक साथ एक हो? आज भी मैं चाहता हूँ एक ही निकले, और बहुत प्रयास किया गया। हर्ष चंद्र गुप्ता, रामनवमी शोभा समिति सदस्य। और ऐसा नहीं है कि दोनों में नाम है, लाइसेंस के लिए जो दिया गया है उसमें दोनों में नाम है, स्थापक के बारे में बता रहा था कुछ। जिस तरह से हम लोग इसकी स्थापना के बारे में 4-5 आदमी मिलकर सोचे थे कि भाई पहले रामनवमी निकलती थी, हीरानंद पांडे निकालते थे, वो बहुत कई सालों से बंद है, 10-15 साल से बंद था, तो फिर बैठ कर विचार किया कि निकलना चाहिए, तो जो लोग हम लोग विचार किए और फिर एक साथ मीटिंग होकर हम लोग निकालें, एक ही निकल रहा था, तो आज तो बहुत दुख है ना कि एक नहीं हो रहा है।
बोलिए, छठ पूजा को लेकर क्या क्या तैयारी कर रखे हैं नगर परिषद? छठ पूजा के लेकर के जो है कि साफ सफाई के कार्य चल रहा है, और जहाँ तक रही बात नहर उड़ाही की, तो उड़ाही का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। थोड़ा सा आगे है जहाँ इस चैती छठ पर्व में वहाँ पे लोग जा नहीं पाते हैं, और जहाँ उन लोगों बराबर पूजा करते थे प्रत्येक वर्ष, वहीं पे पूजा करेंगे। इस बार भी पानी नहीं आएगा, तो पानी नगर परिषद की जो बोरिंग है उससे व्यवस्था की जाएगी, प्रत्येक वर्ष की जाती है। कहा जाता है कि जो बड़ी खगोल चक्रधार के पास जो एक छठ पूजा करने के लिए एक तालाब नुमा बनाया गया था, उसको लेकर बात किया जा रहा है कि वहाँ पर इस बार छठ नहीं होगा क्या? वहाँ नहीं, जहाँ तक जानकारी मुझे मिली है कि इस बार वहाँ छठ पूजा इसलिए नहीं होगा कि कुछ छठ घाट का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण जो है कि इस बार वहाँ छठ पूजा नहीं हुई, जैसे मुझे जानकारी मिली है। तो मतलब देखा जाए कि कॉल के आम नागरिक पूरे लख के पास? हाँ हाँ, सभी लोग जो है लख के आएंगे, और कुछ लोग अपने घर में भी कर लेते हैं, या कहीं आसपास में भी जो सुविधा अनुसार होता है वहाँ भी छठ पूजा करते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि खगोल के समस्त जनतागण एवं अन्य जगहों के लोग भी खगोल लख घाट पर आएँ और पूजा करें, उनको पूजा करने की उत्तम व्यवस्था मिलेगी।